हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। मैं हूँ पम्मी। आज हम बनाने जा रहे हैं गंजी, जिसे पॉरेज भी कहते हैं। इसे हम फॉक्सटेल मिलेट के साथ बनाएंगे। इसे आप किसी भी मिलेट के साथ बना सकते हैं। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए देखते हैं गंजी को कैसे बनाएगा। हम इसे मिट्टी की हांडी में बनाएंगे। आप इसे स्टील के बर्तन में भी बना सकते हैं। सबसे पहले इसमें ऑयल डालेंगे। ये हमने ग्राउंड नट कोल्ड प्रेस्ड ऑयल लिया है, ये 2 टेबलस्पून डालेंगे। गैस जलाएंगे और तेल को गर्म होने देंगे। गैस को लो मीडियम पे रखेंगे। ऑयल गर्म हो चुका है, गैस को बिल्कुल लो पे कर देंगे। ये हमने 1/2 टीस्पून जीरा लिया है और 1/4 टीस्पून राई ली है, इसे डालेंगे और इसे क्रैकल होने देंगे। जीरा और राई क्रैकल हो गया है। अब इसमें 1 मीडियम साइज का प्याज, जो कि हमने बारीक काटा है, ये डालेंगे और प्याज को हल्का गुलाबी होने तक भूनेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। गैस को लो मीडियम के बीच में कर देंगे। प्याज हल्का गुलाबी हो चुका है, ये देखिए। अब इसमें 1 हरी मिर्च डालेंगे बारीक कटी हुई, जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टीस्पून और कुछ कड़ी पत्ते हैं 8-10, ये भी डाल देंगे और इन्हें अच्छे से भून लेंगे। लहसुन अदरक भुना जाना चाहिए तकरीबन 2-3 मिनट के लिए। लहसुन अदरक प्याज अच्छे से भुना जा चुका है, खुशबू आनी शुरू हो गई है, ये देखिए। अब इसमें 1 मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ टमाटर डालेंगे और टमाटर को भी नरम होने तक भुनेंगे। कड़छी लगातार चलाएंगे ताकि लहसुन अदरक नीचे नहीं चिपके। गैस को हमने लो मीडियम पे रखा है। टमाटर गल चुके हैं, ये देखिए। अब इसमें कुछ सब्जियां डालेंगे। ये हमने 2.5 टेबल स्पून फ्रांस बीन ली है, 2 टेबल स्पून गाजर ली है और 2 टेबल स्पून शिमला मिर्च। सब्जियां आप अपनी मर्जी के मुताबिक डाल सकते हैं, जो आपको पसंद है। अच्छे से मिक्स करेंगे और इन्हें 4-5 मिनट के लिए सौते करेंगे। बीच में नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार या 1/2 टीस्पून। ये हमने सेंधा नमक का इस्तेमाल किया है। अच्छे से मिक्स करेंगे। गैस को लो मीडियम के बीच में ही रखना है। सब्जियों को पकते 4 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें मिलेट डालेंगे। ये हमने ये फॉक्सटेल मिलेट लिया है, ये 1/2 कप हमने लिया है और इसमें हमने 8 गुना पानी डाल के इसे 8 घंटे के लिए भिगो के रखा था। इसे 8 घंटे ज़रूर भिगो के रखना है। पानी आप 6 से 10 गुना भी डाल सकते हैं। हमने इसमें 8 गुना पानी डाला है, यानी कि 4 कप। 1/2 कप हमने मिलेट लिया था और 4 कप पानी डाला है। अब सबसे पहले इसमें पानी डालेंगे। गैस को पहले सिम पे कर देंगे। अब गैस को मीडियम पे कर देंगे और 1 उबाल आने देंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। मिलेट को जिस पानी में हमने सोक किया था, वही पानी हमने इस्तेमाल किया है, वो पानी फेंकना नहीं है। पानी में उबाल आ गया है, अब इसमें ये फॉक्सटेल मिलेट डाल देंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। गैस को सिम पे कर देंगे और इसे ढक देंगे और इसे तब तक पकाना है जब तक ये पॉरेज की तरह गाढ़ा नहीं हो जाए, क्योंकि हमें इसकी थिक कंसिस्टेंसी रखनी है और लिक्विड रखनी है, पानी को पूरा नहीं सुखाना। और बीच बीच में चेक करते रहेंगे। इसे तकरीबन 20 मिनट लग जाएंगे पकने में। मिलेट पॉरेज को पकते 30 मिनट हो चुके हैं, चेक करते हैं। बीच बीच में हमने इसे चेक किया था, ये देखिए काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। इसका पानी बिल्कुल नहीं सुखाना, ऐसे पॉरेज की तरह इसे रखना है, लिक्विड और थिक। अब इसमें हरा धनिया डालेंगे।
गैस को बंद कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये रही हमारी आज की रेसिपी, मिलेट गंजी या मिलेट पॉरेज। आप इसे दही के साथ भी खा सकते हैं या किसी अचार के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगेगा। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और हमें अपना फीडबैक दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।